नमस्ते दोस्तों, मैं ममता सिंह अपनी चैनल स्टिचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेबी सॉक्स बताने वाली हूँ। ये छोटे बच्चे से लेके 2-2.5 साल तक के बच्चों तक आप बना सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा इसमें फंदा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये को जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेने के लिए आप मेरे चैनल के संग जुड़े और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये बेबी सॉक्स कैसे बनाते हैं। ये यहाँ से शुरू हुआ है ये, और यहाँ पे आके ये बंद हो जाता है ऐसे। इसमें बस एक सिलाई लगती है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये मैंने रिबन की डोरी डाली हुई है। आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी डोरी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ से फंदा डालेंगे, जैसा कि मैंने ये डाला हुआ है ये। इसमें मैंने 33 फंदे डाले हैं। आप चाहें तो इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम ऊन लगता है और इसे आप कभी भी खाली समय में आराम से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हुई हैं, जो अब मैं आपको बना के बताती हूँ। कभी भी सिलाई शुरू करने के पहले, बिनाई शुरू करने के पहले, आप पहला फंदा, पहले सिलाई ऐसे डाल के इस फंदे को उतार लें, फिर ऊन ऐसे आगे करके इसको आप ऐसे उल्टी सिलाइयाँ बुनें ऐसे। ऐसा हम 8 सिलाइयाँ बिनेंगे, जिससे कि ये 4 धारियाँ आ जाएंगी ऐसे। तो इसके लिए हम इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनेंगे। देखिए, जैसे ये मैंने ये पूरी एक सिलाई बिन ली है, अब इसको फिर दूसरी तरफ जब हम करते हैं तो इसको फिर ये पहला फंदा ऐसे उतार के ऊन सिलाइयों के बीच से ऐसे आगे निकाल के फिर ये हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इसी तरह से हम ये 8 सिलाइयाँ यानी कि ये 4 धारी बनाते हैं। देखिए, जैसे कि ये इतना, ये हमारा ये 4 लाइन तैयार हो गया है ये ऐसे। अब इसके बाद फिर हम 8 सिलाई ये सादा बिनेंगे। सादा यानी सीधी उल्टी सिलाइयों में ये हम 8 सिलाई बिनेंगे, जो कि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें ये फिर ये पहला फंदा उतार के फिर यहाँ से ऐसे सीधा बिनना रहेगा। यहाँ से हम 8 सिलाई जोड़ेंगे। देखिए, जैसा कि ये मैंने ये सादी सिलाइयाँ, ये 8 सिलाई सादा बिन लिया है सीधा उल्टा। इसके बाद हमें ये रिबन डालने के लिए ये जाली बनानी है। उसके लिए मैंने फिर इसी तरीके से ये 4 सिलाइयाँ और यानी कि 2 धारी बना लिया है ऐसे। अब इसके बाद हम ये जाली बनाएंगे, जिसमें कि मैंने ये रिबन डाला है। इसके लिए आपको फिर सीधा बिनना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले ये पहला फंदा उतार के ये 2 फंदे एक साथ सीधा बिन लेंगे, फिर ऊन आगे, फिर ये 2 फंदा ये एक साथ बिन लेंगे। ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे। जिस तरीके से सीधा बिनते हैं सीधे फंदों को, उसी तरीके से ये हम 2 फंदा एक साथ ऐसे बिनेंगे। हर बारी ऊन आगे करें और ये 2 का एक कर देंगे। इस तरह से हमारी जाली भी पड़ जाएगी और
फंदे भी कम नहीं होंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो फंदे बचे हैं, तो इसको हम दो का एक नहीं करेंगे। इसके लिए हम ऊन आगे करके इन दोनों फंदों को ऐसे सादा बिन देंगे। फिर हम ये पूरी सिलाई उल्टी बिनाई कर लेंगे। हमारा जाली बन जाएगा जिसमें कि हम रिबन को डालेंगे। जिस तरीके से हमने ये दो धारियां बनाई हैं, यानी कि चार सिलाई, उसी तरह अब हम यहाँ पे भी ये दो धारियां बनाएंगे, लेकिन इस बार हम ये तीन सिलाई बीनेंगे और उल्टे तरफ से फिर हम पंजे बनाएंगे। ऐसे करके फिर उन आगे ये अब हम फिर दो धारियां इस तरीके से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ बनाया था, उसी तरीके से यहाँ मैंने ये तीन सिलाइयाँ बिन ली हैं, जिसमें ये सीधी तरफ दो धारी पड़ चुकी है। अब उल्टी तरफ से हम ये पंजा बनाने के लिए पूरी सिलाई को नहीं बिनेंगे। इसके लिए हम इसमें पहले 22 फंदों को बिन लेंगे उल्टी सिलाई में। फंदे हम छोड़ देंगे, फिर सिलाई पलट के इसको हम फिर ये पहला फंदा से उतार के आगे 11 फंदे बीच के बीनेंगे। फिर ये इधर से भी ये 11 फंदे हम छोड़ देंगे। इन बीच के 11 फंदों से हम ये पंजे बनाएंगे। इसके लिए हम बस सीधी उल्टी सिलाइयों से 16 सिलाई का ये पंजा तैयार कर लेंगे। इस तरीके से सिर्फ बीच के फंदों को, बीच के 11 फंदों को हम 16 सिलाई बनाएंगे। ये यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से हम ऐसे सिलाई पलट देंगे और फिर इसको पहला फंदा ऐसे उतार के इस तरीके से। कभी भी बिनाई शुरू करें तो पहले फंदे को उतार लेना चाहिए, इससे बिनाई भी अच्छी होती है और किनारा भी ज़्यादा फैलता नहीं है। ये फिर यहाँ से पलट के ये हम 16 सिलाइयों का पंजा तैयार कर लेंगे। ये मैंने ये पंजे के लिए ये 16 सिलाइयाँ सीधी उल्टी सिलाइयों में इस तरीके से बीच के 11 फंदों का बना लिया है ऐसे। अब हम इसमें से जो ये हमने पहला फंदा उतारा था, ये जो चोटियों जैसी दिख रही हैं, इसमें से हम ये
8 फंदे बना लेंगे ऐसे, इस तरीके से उठा के लिए। ये हमने यहाँ पे 8 उठा लिए हैं। अब इनको भी हम ये उल्टे तरफ से ही इस तरीके से बिन लेंगे। ये होने के बाद फिर ये जो बाकी के 11 फंदे हम लोगों ने पहले छोड़े थे, इसको भी हम ये पूरा बिन लेंगे साथ में। यहाँ से हमारा एड़ी का हिस्सा बनना शुरू होगा। इसके लिए हम दोनों तरफ से उल्टी सलाइयाँ बीनेंगे। अब यहाँ से हम फिर उल्टे फंदे पहले ऐसे उतार के फिर आगे करके ये उल्टे तरफ से इस तरीके से बिनाई शुरू कर देंगे। इन बीच के 11 फंदों को भी इनको भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। ऐसे अब जिस तरीके से हम लोगों ने इस तरफ 8 फंदे उठाए थे उसी तरीके से अब इस तरफ भी ये देखिए ये जो चोटियां बनी हुई हैं इनमें से हम ये 8 फंदे फिर उठा लेंगे ऐसे। इस तरीके से फिर इस साइड भी जो 11 फंदे बचे थे इनको भी हम इसी के साथ मिला के उल्टा बिन लेंगे। दोनों तरफ से 8-8 फंदे उठाने के बाद 33 फंदे में हमारे 16 फंदे और बढ़ जाते हैं तो हमारे ये पूरे 49 फंदे यानी कि 49 फंदे ये हमारे हो जाते हैं। अब इन फंदों का हम ये एड़ी बनाएंगे। इस एड़ी को बनाने के लिए भी हम दोनों तरफ से उल्टा बिनेंगे ताकि हमारी ये धारियाँ बन जाए। तो इसके लिए हम ये 10 सलाइयाँ, पहले 9 सलाई में हम ये धारियाँ डालेंगे और 10वीं सलाई के लिए हम ये जोड़ बनाएंगे। फिर पहला फंदा उतार के आगे करके इसी तरीके से हम ये 9 सलाइयाँ बना लेंगे। एक हमारा ये हो चुका है, ये हमारी दूसरी सलाई है, इसको लेके हम 9 सलाई बीनेंगे। फिर उल्टी सलाइयों में हम इसको जोड़ देंगे जिससे कि हमारा नीचे का पंजा पूरा तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये मैंने 9 सलाइयाँ बिन ली हैं जिसकी मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 ये 5 धारियाँ आ गई हैं।
अब उल्टे तरफ से हमें ये जोड़ लगाना है, जिससे कि हमें सिलाई ना करना पड़े और एड़ी भी सॉफ्ट हो जाती है, बच्चों को आराम रहता है पहनने में। ये इसके लिए हम फिर उल्टे तरफ से इसको पहले फंदे को उतार के, जो मेरा 49 फंदे तैयार थे उसमें से हम 25 फंदे बिन लेंगे। ये ऐसे इधर 25 और इधर 24। अब इसको हम ऐसे मोड़ देंगे इस तरीके से उल्टे तरफ से। अब हमको इसके लिए एक और सिलाई चाहिए होगी। इसके लिए अब हम सबसे पहले ये इधर का ये पहला फंदा ऐसे उतार के और ये इसको ऐसे बिन लेंगे। इससे हमारा समय भी बचेगा और मेरा ऊन भी साथ के साथ में चलता जाएगा। ये पीछे का उतारा और आगे का ये इस तरीके से बिन लिया, ऐसे उतारा और ये बिन लिया, ये ऐसे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बिन लेंगे, जिससे हमारा ये जोड़ आराम से बन जाए। तरीके से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे। दोनों सिलाइयों के फंदे एक सिलाई पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये लास्ट का पीछे वाला फंदा भी ऐसे हम उतार लेंगे। अब इसको फिर अपनी तरफ ऐसे घुमाइए। अब हम इसको बंद करेंगे। तो शुरुआत में हम ये ऐसे तीन फंदे लेके एक साथ बिन देंगे। फिर ये फंदे को इस पे चढ़ा के अब हम ये दो दो फंदों का जोड़ा लेके कुल तीन फंदे, एक जो हमने लिया है पहले का और दो ये, इसको एक साथ उतार देंगे। इसी तरीके से ये हम उतार देंगे तो हमारा नीचे फंदा आपस में जुड़ भी जाएगा और हमको सिलाई भी नहीं लगानी होगी और ये आराम से हो जाएगा। ये चढ़ा के ये ऐसे तीन तीन फंदे एक साथ इस तरीके से हम ये बंद कर देंगे तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है, इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं आती। ये तीन फंदे ये जब हमारे बन गए ऐसे, इसको ऐसे खींच लीजिए, इसमें से ये ऊन ऐसे निकाल के इसको ऐसे खींच लीजिए टाइट करके। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। फिर अपना ये ऊन ऐसे हम खींच लेंगे तो ये हमारा ऊन फिक्स हो गया और अब ये कहीं से खुलेगा नहीं। और ये देखिए ऐसे इस तरीके से हमारा ये
उतर जाए। अब हम इन खुले भागों की सिलाई करेंगे ऐसे ही उल्टे तरफ से। तो इसके लिए हम ये जो हमारा ऊन बचा हुआ है इसी से हमारी सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, फिर इसको हम सुई से सिल देते हैं। इन दोनों को अच्छे से इस तरीके से मिला के सबसे पहले इधर से ऐसे इसको ऊन इधर खींच लेंगे। अब ये जो हमारे ऊन के टुकड़े दिख रहे हैं इसको हम सिलाई में ही ऐसे छिपा देंगे ऐसे। फिर ये जो हमने चोटियाँ उतारी थी पहला पंदर जो चोटियाँ बनी हुई हैं उन्हीं को पकड़ के हम सिलाई कर देते हैं। तो इससे हमारी सिलाई भी आसान हो जाती है और जल्दी हो जाती है ऐसे इस तरीके से। और ये देखिए ये जो हमारे ऊन के टुकड़े निकले हुए थे ये ऐसे फंस भी गए और फिनिशिंग आ गई। इस तरीके से हम ये सिल देंगे। चोटियों को पकड़ के इस तरीके से सिलना बहुत आसान होता है और ये जल्दी हो भी जाता है। लास्ट में ऐसे होने के बाद हम इसको ऐसे बीच में से निकाल के सलाई धागे को इस तरह से खींच के ये टाइट करके इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा बेबी सॉक्स तैयार हो गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके। अब हम इसमें ये रिबन डालेंगे। इसके लिए मैंने ये रिबन लिया हुआ है इस तरीके से। इसको आप एक पिन की सहायता से आराम से डाल सकते हैं। ऐसे पिन करने के बाद आप ये बीच का जो है यहाँ से हम ये अंदर डालना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे इस तरीके से। बहुत आसान तरीके से हम इसको डाल सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ से ये बाहर आ गया। ऐसे इसको आप अच्छे से सेट कर दीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें इसी ऊन का डोरी बना के भी डाल सकते हैं। क्रोशिया से भी बन जाती है और हाथ से उसको ऐड के भी बनाया जाता है। ये ऐसे हो गया। अब इस किनारों को अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए हम इसको ऐसे हाथे से मोड़ देंगे और इसको ऐसे कैचेस से ऐसे कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से इसी तरह से इधर का भी हमारी दोनों सॉक्स तैयार हैं। इसको आप चाहे तो सेम कलर का भी रिबन डाल सकते हैं, कंट्रास्ट में भी डाल सकते हैं। ये किसी भी बच्चे को पहनने में सॉफ्ट भी रहेगा और जाड़ों में आराम भी रहेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पकड़ के इस तरीके से सिलना बहुत आसान होता है और ये जल्दी हो भी जाता है।
लास्ट में ऐसे होने के बाद हम इसको ऐसे बीच में से निकाल के सलाई धागे को इस तरह से खींच के ये टाइट करके इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा बेबी सॉक्स तैयार हो गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके। अब हम इसमें ये रिबन डालेंगे। इसके लिए मैंने ये रिबन लिया हुआ है इस तरीके से। इसको आप एक पिन की सहायता से आराम से डाल सकते हैं। ऐसे पिन करने के बाद आप ये बीच का जो है यहाँ से हम ये अंदर डालना शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम इसको डाल सकते हैं। देखिए ये यहाँ से ये बाहर आ गया। ऐसे इसको आप अच्छे से सेट कर दीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें इसी ऊन का डोरी बना के भी डाल सकते हैं। क्रोशिया से भी बन जाती है और हाथ से उसको ऐड के भी बनाया जाता है। ये ऐसे हो गया। अब इस किनारों को अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए हम इसको ऐसे हाथे से मोड़ देंगे और इसको ऐसे कैची से ऐसे कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से इसी तरह से इधर का भी ऐसे इस तरीके से ये हमारी दोनों सॉक्स तैयार है। इसको आप चाहे तो अट सलाई सादा बिन लिया है सीधा उल्टा। इसके बाद हमें ये रिबन डालने के लिए ये जाली बनानी है। उसके लिए मैंने फिर इसी तरीके से ये चार सलाइयाँ और यानी कि दो धारी बना लिया है ऐसे। अब इसके बाद हम ये जाली बनाएंगे जिसमें कि मैंने ये रिबन डाला है। इसके लिए आपको फिर सीधा बिनना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले ये पहला फंदा उतार के ये दो फंदे एक साथ सीधा बिन लेंगे। फिर ऊन आगे, फिर ये दो फंदा ये एक साथ बिन लेंगे। ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे। जिस तरीके से सीधा बिनते हैं सीधे फंदों को, उसी तरीके से ये हम दो फंदा एक साथ ऐसे बिनेंगे। हर बारी ऊन आगे करें और ये दो का एक कर देंगे। इस तरह से हमारी जाली भी पड़ जाएगी और फंदे भी कम नहीं होंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो फंदे बचे हैं तो इसको हम दो का एक नहीं करेंगे। इसके लिए हम ऊन आगे करके इन दोनों फंदों को ऐसे सादा बिन देंगे। फिर हम ये पूरी सिलाई उल्टी बिनाई कर लेंगे। हमारा जाली बन जाएगा जिसमें कि हम रिबन को डालेंगे।
फिर उल्टे तरफ से इसको पहले फंदे को उतार के जो मेरा 49 फंदे तैयार थे उसमें से हम 25 फंदे 25 फंदे बिन लेंगे। ऐसे इधर 25 और इधर 24। अब इसको हम ऐसे मोड़ देंगे इस तरीके से उल्टे तरफ से। अब हमको इसके लिए एक और सिलाई चाहिए होगी। इसके लिए अब हम सबसे पहले ये इधर का ये पहला फंदा ऐसे उतार के और ये इसको ऐसे बिन लेंगे। इससे हमारा समय भी बचेगा और मेरा ऊन भी साथ के साथ में चलता जाएगा। ये पीछे का उतारा और आगे का ये इस तरीके से बिन लिया, ऐसे उतारा और ये बिन लिया, ये ऐसे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बिन लेंगे जिससे हमारा ये जोड़ आराम से बन जाए। तरीके से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे। दोनों सिलाइयों के फंदे एक सिलाई पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये लास्ट का पीछे वाला फंदा भी ऐसे हम उतार लेंगे। अब इसको फिर अपनी तरफ ऐसे घुमाइए। अब हम इसको बंद करेंगे। तो शुरुआत में हम ये ऐसे तीन फंदे लेके एक साथ बिन देंगे। फिर ये फंदे को इस पे चढ़ा के अब हम ये दो दो फंदों का जोड़ा लेके कुल तीन फंदे, एक जो हमने लिया है पहले का और दो ये, इसको एक साथ उतार देंगे। इस तरीके से बिन लेंगे। ये होने के बाद फिर ये जो बाकी के 11 फंदे हम लोगों ने पहले छोड़े थे इसको भी हम ये पूरा बिन लेंगे साथ में। यहाँ से हमारा एड़ी का हिस्सा बनना शुरू होगा। इसके लिए हम दोनों तरफ से उल्टी सिलाइयाँ बिनेंगे। अब यहाँ से हम फिर उल्टे फंदे पहले ऐसे उतार के फिर आगे करके ये उल्टे तरफ से इस तरीके से बिनाई शुरू कर देंगे। इन बीच के 11 फंदों को भी इनको भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। ऐसे अब जिस तरीके से हम लोगों ने इस तरफ 8 फंदे उठाए थे उसी तरीके से अब इस तरफ भी ये देखिए ये जो चोटियां बनी हुई हैं इनमें से हम ये 8 फंदे फिर उठा लेंगे। ऐसे
इस तरीके से। फिर इस साइड भी जो 11 फंदे बचे थे इनको भी हम इसी के साथ मिला के उल्टा बिन लेंगे। दोनों तरफ से 8-8 फंदे उठाने के बाद 33 फंदे में हमारे 16 फंदे और बढ़ जाते हैं तो हमारे ये पूरे 49 फंदे यानी कि 49 फंदे ये हमारे हो जाते हैं। अब इन फंदों का हम ये एड़ी बनाएंगे, बन डाला है, इसके लिए आपको फिर सीधा बिनना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले ये पहला फंदा उतार के ये दो फंदे एक साथ सीधा बिन लेंगे, फिर उन आगे फिर ये दो फंदा ये एक साथ बिन लेंगे। ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे। जिस तरीके से सीधा बिनते हैं सीधे फंदों को, उसी तरीके से ये हम दो फंदा एक साथ ऐसे बिनेंगे। हर बारी ऊन आगे करें और ये दो का एक कर देंगे। इस तरह से हमारी जाली भी पड़ जाएगी और फंदे भी कम नहीं होंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो फंदे बचे हैं तो इसको हम दो का एक नहीं करेंगे। इसके लिए हम ऊन आगे करके इन दोनों फंदों को ऐसे सादा बिन देंगे। फिर हम ये पूरी सिलाई उल्टी बिनाई कर लेंगे। हमारा जाली बन जाएगा जिसमें कि हम रिबन को डालेंगे। फिर जिस तरीके से हमने ये दो धारियां बनाई हैं यानी कि चार सिलाई, उसी तरह अब हम यहाँ पे भी ये दो धारियां बनाएंगे, लेकिन इस बार हम ये तीन सिलाई बीनेंगे और उल्टे तरफ से फिर हम पंजे बनाएंगे। ऐसे करके फिर उन आगे हमारे पास सिर्फ दो फंदे बचे हैं तो इसको हम दो का एक नहीं करेंगे। इसके लिए हम ऊन आगे करके इन दोनों फंदों को ऐसे सादा बिन देंगे। फिर हम ये पूरी सिलाई उल्टी बिनाई कर लेंगे। हमारा जाली बन जाएगा जिसमें कि हम रिबन को डालेंगे।
इस तरीके से हमने ये दो धारियाँ बनाई हैं, यानी कि चार सिलाई। उसी तरह अब हम यहाँ पे भी ये दो धारियाँ बनाएंगे, लेकिन इस बार हम ये तीन सिलाई बीनेंगे और उल्टे तरफ से फिर हम पंजे बनाएंगे। ऐसे करके फिर उन आगे ये अब हम फिर दो धारियाँ इस तरीके से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ बनाया था, उसी तरीके से यहाँ मैंने ये तीन सिलाइयाँ बिन ली हैं, जिसमें ये सीधी तरफ दो धारी पड़ चुकी है। अब उल्टी तरफ से हम ये पंजा बनाने के लिए पूरी सिलाई को नहीं बीनेंगे। इसके लिए हम इसमें पहले 22 फंदों को बिन लेंगे उल्टी सिलाइयाँ।